वैसे नहीं हो सकी। हाँ। पसंद ही नहीं होता, हम मम्मी से बोलते हैं इसमें आपकी कंडी इनकी वजह से सूरत पे ना जाए सीरत पे जाए तो हम अपने पास रख लेंगे। चल मुझे बताओ ना क्यों पैदा हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारी और मुसीबतों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट, और ये है फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग, और अम्मी ने बनाया था कीमा आलू। आज के दिन ना फ्राइडे वाले दिन हम लोग ज़्यादातर जो है ना कीमा ही बना लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी से बन जाता है। और फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि नमाज़ की वजह से सब काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, बहुत तेज़ी से वक्त गुजर जाता है, और बच्चों का टाइम भी ना ट्यूशन का उस दिन जल्दी होता है कोचिंग का। तो बस फिर मैं ना इसको कीमे को इस तरह से बॉयल, ये है मशीन का कीमा नहीं है, ये हाथ का बना हुआ कीमा जो कि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। हम मम्मी से बोलते हैं इसमें आप ना भले ही आलू ज़्यादा डाल दें, हम आलू से ही। हाँ ये हमें रूखा रूखा कीमा पसंद है, इनकी वजह से ना इसमें आलू बहुत ज़्यादा डलते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीके से बनता है। इसको मैंने ना अदरक लहसुन और नमक हल्दी थोड़ी सी डाल के बॉयल होने रख दिया, तो तकरीबन एक घंटे ये पका है इस तरह से। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने प्याज ले ली थी। अच्छा, इस कीमे में ना प्याज ज़्यादा डलती है, खड़े मसाले की तरह से ही बनता है। तो ये आधा किलो कीमा था जिसमें मैंने चार लार्ज साइज़ की प्याज लेके उसे मशीन में चॉप कर लिया था, और प्याज के साथ मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। इसमें ना लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ हरी जाएंगी। अब वो जब पानी खुश्क हो रहा है ना कीमे का, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था 2 टेबल स्पून, और ये प्याज इस तरह से पीस के हरी मिर्चें प्याज डाल दी। और अब इसके बाद मैं टमाटर को भी इसी तरीके से मशीन में ही चॉप कर लूँगी, इससे तो बहुत जल्दी से ही सारा काम हो जाता है। अब वो भी इसमें डाल दूँगी टमाटरों को भी चॉप करके ना, और टमाटरों को डालने के बाद फिर हम इसमें आलू भी काट के डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें ना 10 मिनट में कंप्लीट पक जाती हैं, क्योंकि कीमा तो हमारा पहले से पका हुआ होता है, वो हाथ का कीमा बना हुआ होता है ना, तो हम पहले से ही पका के रख लेते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें डाल के आलू भी साथ में डाल देते हैं, और ज़ीरा मैंने डाला था 1 खाने का चम्मच, नमक डाला था वो भी 1 खाने का चम्मच, फिर सवा गर्म मसाला डाला था 1/2 टीस्पून। ये सब बस जाएगा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा लाल मिर्च वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे। बस ये मैंने टमाटर डालने के बाद सब कुछ पकने रख दिया था, तकरीबन 15 मिनट में हमारा जो ये आलू कीमा है ना खड़े मसाले का, ये रेडी हो गया था। और लास्ट में फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ दिए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें, और शेयर करें वो भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। और बस फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें, उसको भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को हमारी। तो वो देखें कीमा भी बस रेडी हो गया था, और बंदे हुए थे इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ। लेकिन मैंने खाया सिर्फ आलू और इसकी ग्रेवी। इसकी ग्रेवी में इसको पिचका पिचका कर निकालती रहती हूँ कि बस क्या करती हूँ, साइडों में सारा कीमा जमा करके ना, जो इसका छोटा मोटा ग्रेवी और रोगन होता है ना, ये उससे खाती हूँ। हमने कहा फ़ायदा तुम इतनी तारीफ से करती हो, खाती हो नहीं। खुशबू तो अच्छी आई थी, लेकिन इसमें मतलब मुझे चिकना वाला कीमा नहीं पसंद, रूखा वाला अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बाबा लाए थे आड़ू, और ये मुझे इतना क्यूट सा लगा, इतना यूनिक लगा, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इसका रैबिट टाइप लग रहा है, क्यूट सा। हाँ अच्छा लग रहा है, अम्मा बच्चे दोनों साथ हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा। और अगले दिन हमने जाना था रिलेटिव के घर दावत में, तो अम्मी तो रेडी हो गई थी, अम्मी जो है ना अकेले जा रही थी, मतलब बाकी हम लोग जो है वो रात में आना था हम लोग को। हाँ ये जो ना मुझे ले जाना था मुनसिफ को साथ, लेकिन इन लोगों ने, लेकिन हमने बोला कि जो है ना सब बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, तो मुनसिफ को बस होता है कि खेल लूँ मैं, इधर भाग लूँ उधर भाग लूँ, तो हमने बोला कि हम अपने पास रख लेंगे और फिर रात में ले आएंगे उसे। हाँ अच्छा ही हुआ तुम लोग रात में अपने साथ लाए, क्योंकि हम लोग छत पर बैठे थे और वहाँ जो है ना जीने के पास बच्चे फौरन भाग के जाते हैं, और वही हुआ, मुनसिफ यही काम कर रहे थे, बार बार इनको पकड़ना पड़ रहा था, इनके पीछे 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 बैठते रहो। और मुनसिफ माशाल्लाह हर एक से जल्दी फ्री हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम भी देखे ना किसी को, तो उनसे भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। सब यही बोल रहे थे, बड़ा फ्रेंडली बच्चा है। हाँ माशाल्लाह सही, नए चेहरे देखकर घबराता नहीं है, बल्कि उनके पास फ़ौरन से
चले जाते हैं। और उस दिन मैंने जो है लेमन कलर का सूट पहना था और मेरी बड़ी सिस्टर ने जो है मेहरून, तो इसलिए नहीं जा रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, इसलिए नहीं। अगर किसी के भी जाओ तो तैयार, असल वजह बताओ ना कि पेपर भी था, पेपर की वजह से, कोचिंग के पेपर की वजह से जो है ना, इन्होंने कहा एक नहीं जा रही तो मैं, दूसरी ने कहा मैं भी नहीं जा रही तो मैंने कहा लेकिन नहीं। फिर हाँ, और जब वहाँ गए और छत पे था अरेंजमेंट सब कुछ, तो हमें बड़ा मतलब सही लगा। हाँ, क्योंकि छत पे इतनी माशाल्लाह से हवा चल रही थी ना उस दिन, बहुत अच्छी हवा थी उस दिन, तो पता ही नहीं चला, फिर गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। और हम लोग इतनी देर में पहुँचे, हम लोग निकले 8 बजे, तो 9 बजे आराम आराम, 8:30 बजे आराम आराम से तैयार हो रहे होंगे। मैं जो नहीं थी सर पे पीछे से, अभी मुंसिफ को भी तैयार करना था ना, उसको भी रेडी करके बिठाना था, उसको पोएम लगा कर बिठाना था, वरना ये तो फिर भी पोएम से भी हटकर हमारे मेकअप बॉक्स में घुस रहे थे। हाँ, वो तो हर चीज़ में ही बच्चे हार डालते हैं, मुझे यही फिक्र हो रही थी, पता नहीं कि तुम लोग कैसे तैयार करके, ये बस हो रहा था कि मैं हर चीज़ ले लूँ, उठा लूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है हम सिर्फ को छोड़ के जाएँ, लेकिन क्या करें, गर्मी ही के मौसम में ना हम सब जगह वैसे भी नहीं लेके जाते मुनसिफ को, कम ही लेके जाते हैं, अभी छोटा है ना। वैसे भी मुनसिफ का बहनों के बगैर दिल नहीं लगता, बहनें भी नहीं रहती मुनसिफ के वजह, तो ये लोग सब साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ बन रहा है ओरियो आइसक्रीम पुडिंग, और ये बना रही हूँ मैं, और इसका जो नेम है ना, मैंने खुद डिस्कवर किया है, क्योंकि इसका नेम यही रख सकती थी मैं, क्योंकि इसमें जो ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी कि इसका नेम यही रखा जा सकता था, तो बस मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर, और क्वांटिटी मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मैंने जज्बात थी होकर बनाया था। ये जो है ना, जिन्होंने ये दिखाया ना आइसक्रीम कस्टर्ड पाउडर, ये डाला है कॉर्नफ्लोर डाला और चीनी डाली है। ये मैं अभी वीडियो में ही देख के बता रही हूँ, क्योंकि ना इनको बहुत शौक हो रहा था कुकिंग करने का, बस क्वांटिटी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इतना याद ही नहीं है इनको, ये पहले की रखी हुई वीडियो जो थोड़े दिन पहले मैंने बनाई, ये फॉरन बहुत की है ना तुमने बनाया था, तो ये जो है दिखाना ही भूल गई। खैर, तो अब ये क्वांटिटी तो इनको याद नहीं है, 1.5 लीटर दूध था जो उन्होंने ज़ाया करने की कोशिश की, लेकिन खैर अच्छा बन गया। नहीं, बना क्या था और बन कुछ गया, ये कस्टर्ड बना रही, ये कुछ लम्स जैसा, इतनी लम्स हो गए इसमें, लम्स की मैंने सोचा वो पुडिंग की शेप, कि मैंने सोचा कि पता नहीं इसका क्या हुआ, इतना गाढ़ा, इतना थिक हो गया था। फिर मैंने तो जब ठंडा हुआ तो मुझे तो लग रहा था इसको पता नहीं कैसे खाएंगे हम, लेकिन जब उसको मैंने फ्रिज में रखा और उस पर मतलब सारी चीज़ें डाल दी, ऊपर से गार्निशिंग करी सारी चीज़ों की, तो फिर तो ये जब मैंने निकाला ना तो बिल्कुल पुडिंग की शेप में निकल गया, मतलब मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि बहुत अच्छा बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जो इसमें आइसक्रीम कस्टर्ड डला है ना वो तो और ही अच्छा इसका टेस्ट। ये देखिए क्या हालत हो रही है कि कस्टर्ड ऐसा होता है, बहुत थिक बनाया ना तो। हाँ, फिर उसके बाद जब सही हुआ ना, फिर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि ये पुडिंग की शेप में आ गया। मैंने ले इसका नाम भी क्यों ना पुडिंग ही रख देते, बनाना मैंने कस्टर्ड था लेकिन बन पुडिंग गई, तो बनते बनते पुडिंग बन गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही बना ले, ऐसा भी होता है। तो इसका नाम भी मैंने खुद ही याद किया, इतना टाइम लगाया है ना बनाने, मैंने कहा इतनी देर में तो मैं 2 डिशे और बना ली थी, इतना आराम आराम से काम होता है हमारा। बहरहाल ये है कि इनका मूड था बहुत दिनों से, कि कह रही थी मैंने कुछ पकाना है, कुछ करना है, मैंने कहा भाई इतनी गर्मी है, गर्मी नहीं है तो ठंडा ठंडा खाएंगे, गर्मी में अच्छा लगेगा। मेरा दिल चाहता है मैं खुद बना, लेकिन अभी बनाने ही नहीं देती है, बोलती नहीं तुम लोग के पेपर चल रहे हैं अभी, नहीं पेपर्स के बाद, तो अभी बनाने अभी पढ़ाई का इतना ज़्यादा काम है, तो इसलिए अभी मैं बोलती हूँ पहले पेपर हो जाए उसके बाद करना। हाँ, जब इनसे समझ में नहीं आया ना कि ये क्या हो गया, कस्टर्ड पुडिंग जो भी है, ये जो भी बनाना चाह रही थी, तो ये फिर छोड़ दिया उन्होंने, और ठंडा बनाना तो मैं कस्टर्ड ही चाह रही थी, बन गई पता नहीं क्या। हाँ, अब फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ना, तो क्या हुआ कि अम्मी ने ना 2 घंटे बाद निकाला ना, तो ये बिल्कुल, ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल पुडिंग की शेप में आ गया था। निकालना मुश्किल था इसको, अम्मी ने लेकिन खुद ही निकाला, गार्निशिंग भी अम्मी ने खुद ही की, ओरियो बिस्किट डाल के निकाला था, ओरियो डिजर्ट इनका बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन ये बनने के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था टेस्ट। शक्ल सीरप पे जाए, सूरत पे ना जाए, सीरप पे जाए, तो हाँ, सूरत तो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, थोड़ी सजावट के बाद तो फिर बेहतर हो गई थी, लेकिन ये है कि टेस्ट में बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा सबको बहुत। इनका अरमान पूरा हो गया कि मैंने कुकिंग की, बिल्कुल ऐसे निकल रहा था, देखें कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन बस ऊपर से थोड़ा सजावट होनी चाहिए थी ना, वैसे नहीं हो सकी। हाँ, क्योंकि वो पुडिंग जो एक लेवल में शेप बनना चाहिए कस्टर्ड का या पुडिंग का, वो उस तरीके से काम नहीं, वो हमें पता नहीं था ना, तो हमने तो ऐसे ही डाल दिया कस्टर्ड समझ कर, नई लेबलिंग की इसकी कुछ भी कैसी बस नहीं, ज़्यादा हो गया, दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, मतलब वो जम रहा था,
हमें फ्रिज में रखने से पहले ही वो जम रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे में ज़रा मुश्किल हो जाती है फिर सेट करने में। और ये बस ये कि ये देखे बहुत अच्छा बना था इनका, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी कैसा बना, बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो, बहुत अच्छा लगा। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।